हेलो दोस्तों, यदि आप भी ICC द्वारा जारी किए गए वुमेंस ODI और T20 रैंकिंग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ टॉप 10 टीम्स की ODI रैंकिंग कुछ इस प्रकार है। 10वें नंबर पर आयरलैंड की टीम आती है जो 2 मैचों में 13 रेटिंग के साथ है। 9वें नंबर पर श्रीलंका की टीम आती है जो 11 मैच में 47 रेटिंग के साथ है। 8वें नंबर पर बांग्लादेश की टीम आती है जो 5 मैचों में 61 रेटिंग के साथ है। 7वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम आती है जो 15 मैचों में 73 रेटिंग के साथ है। 6ठे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ की टीम आती है जो 12 मैचों में 85 रेटिंग के साथ है। 5वें नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम आती है जो 21 मैचों में 93 रेटिंग के साथ है। 4थे नंबर पर हमारी इंडियन टीम आती है जो 20 मैचों में 111 रेटिंग के साथ है। 3रे नंबर पर इंग्लैंड की टीम आती है जो 17 मैचों में 117 रेटिंग के साथ है। 2रे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम आती है जो 24 मैचों में 118 रेटिंग के साथ है। और पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है जो 18 मैचों में 164 रेटिंग के साथ है। तो दोस्तों ये थे ICC द्वारा जारी किए गए वुमेंस ODI रैंकिंग। अब हम बात करेंगे T20I रैंकिंग की, तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर आयरलैंड की टीम आती है जो 17 मैचों में 170 रेटिंग के साथ है। 9वें नंबर पर बांग्लादेश की टीम आती है जो 26 मैचों में 192 रेटिंग के साथ है। 8वें नंबर पर श्रीलंका की टीम आती है जो 18 मैचों में 202 रेटिंग के साथ है। 7वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम आती है जो 27 मैचों में 230 रेटिंग के साथ है। 6ठे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ की टीम आती है जो 26 मैचों में 236 रेटिंग के साथ है। 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम आती है जो 30 मैचों में 252 रेटिंग के साथ है। 4थे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम आती है जो 28 मैचों में 267 रेटिंग के साथ है। और 3रे नंबर पर हमारी इंडियन टीम आती है जो 35 मैचों में 267 रेटिंग के साथ है। 2रे नंबर पर इंग्लैंड की टीम आती है जो 33 मैचों में 284 रेटिंग के साथ है। और पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है जो 31 मैचों में 289 रेटिंग के साथ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ।